पे नियर बाय के साथ जुड़कर आप अपने शॉप या बिजनेस को एक बैंकिंग पॉइंट बना सकते हैं और अपने कस्टमर को आधार कैश विड्रॉवल, आधार मिनी स्टेटमेंट, मनी ट्रांसफर, बिल पेमेंट, रिचार्ज, ट्रेन, बस या फ्लाइट बुकिंग जैसे 25 से ज़्यादा सर्विसेज देकर आप महीने का एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको पे नियर बाय IT लेने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर देखें। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर आएंगे और यहाँ से आपको पे नियर बाय ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसे पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इसे ओपन करेंगे। यहाँ पे आप अपने लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है, फिर आप यहाँ पे फिनिश पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। मोबाइल नंबर देते ही आपके सामने रजिस्टर का ऑप्शन आ जाएगा, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। फिर आप इसके सारे परमिशन को अलाउ कर देंगे। आपके इस नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर इंटर करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा और आपके इस मोबाइल नंबर पर आपका लॉगिन ID और आपका पासवर्ड SMS से भेज दिया जाएगा। उसी लॉगिन ID और उसी पासवर्ड से आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉगिन ID और पासवर्ड दे दिया गया है। तो यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे आप लॉगिन नाउ पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आप अपने उसी नंबर को टाइप करेंगे जो अभी आपने यहाँ पर दिया था। अब यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है, जो आपके SMS में आपका पासवर्ड भेजा गया है उसी पासवर्ड को यहाँ पर आप एंटर करेंगे। फर्स्ट टाइम आपका पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर ही होता है, तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर आप यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करेंगे। फिर से आपके इस नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको नया पासवर्ड क्रिएट करना है। सबसे पहले यहाँ पे आप अपने ओल्ड वाले पासवर्ड को देंगे, जो आपके मैसेज में पासवर्ड भेजा गया था उसी पासवर्ड को एंटर करेंगे। यानी कि यहाँ पे आप अपने मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नया पासवर्ड क्रिएट करना है। आपका पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और उसमें एक कैपिटल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और कुछ नंबर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको नए वाले पासवर्ड से लॉगिन करना है, जो अभी पासवर्ड आपने सेट किया है उस पासवर्ड को यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना कुछ बेसिक डिटेल्स देना है। सबसे पहले यहाँ पे आप अपना नाम देंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको अपने बिजनेस या शॉप का नाम देना है। फिर यहाँ पे आप अपने बिजनेस या शॉप का कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। आपका शॉप या बिजनेस किस कैटेगरी में आता है उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंटरनेट कैफे सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आप नीचे यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक रेफरल कोड एंटर करने के लिए बोला जाएगा, तो स्क्रीन पर जो आपको रेफरल कोड दिख रहा है उसी रेफरल कोड को यहाँ पर एंटर कर देना है। इससे आपको ये फायदा होगा कि इसके प्लान के पैकेज में आपको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। रेफरल कोड देने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरह का कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा। नीचे जाएंगे, यहाँ पे आप चाहें तो प्लान को यहाँ से ही अपग्रेड कर सकते हैं या आप यहाँ पे यूज खाता फॉर फ्री पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है, फिर आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने एक डैशबोर्ड आ जाएगा, यहाँ पे आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है। फिर आप अपग्रेड एंड अर्न पर क्लिक करेंगे। इसके प्लान को अपग्रेड करना जरूरी है, तभी आप इसके सारे सर्विसेज को यूज करके कमीशन कमा सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो अपनी इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, महीने में आप कितना ट्रांजेक्शन करेंगे, कितना आप यहाँ पे काम करेंगे तो यहाँ पे आपको कितना कमीशन मिलेगा। ये सारा चीज़ आप चाहें तो यहाँ पे अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पे आपको मंथली 16,209 रुपये का इनकम होता है। तो यहाँ पे आपको अपग्रेड नाउ पर क्लिक करना है। आपके सामने इसके अलग अलग प्लान आ जाएंगे, यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसके प्लान को चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ही बार प्लान को परचेस करना पड़ता है, उसके बाद आप पे नियर बाय को लाइफ टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसके 3,000 वाले प्लान को परचेस करते हैं तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साथ IRCTC सर्विसेज भी मिलती है, यानी कि यहाँ पर आपको IRCTC ID भी मिल जाती है। आप देख सकते हैं कि इस प्लान के साथ आपको क्या क्या मिलने वाला है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको 2700 का भी एक प्लान मिल जाता है और सबसे कम वाला प्लान यहाँ पर आपको 1000 का है। यहाँ पर आपको सिर्फ 1000 पे करना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पर आपको इतने सारे सर्विसेज मिलती है, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र, रिचार्ज, बिल पेमेंट, बस बुकिंग, एक्सेप्ट कार्ड पेमेंट, AEPS और माइक्रो ATM सर्विसेज।
तो चलिए हम इसके बेसिक वाले प्लान को परचेस करेंगे। चूंकि मैंने यहाँ पे रेफरल कोड डाल दिया था, इसलिए यहाँ पे मुझे 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया है। तो आपको भी अपना रेफरल कोड लॉगिन करते समय ज़रूर डाल देना है। तो यहाँ पे आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर देना है, फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस कैलेंडर से अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी देना है, फिर आप यहाँ पे लोकेशन देने के लिए इंटर लोकेशन पर क्लिक करेंगे। ये ऑटोमेटिक आपके लोकेशन को फेच कर लेगा। यहाँ पे आपको सेव पिन एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है, फिर सेव पर क्लिक करेंगे। अगर आप पे नियर बाय से व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको आई एग्री टू बी कनेक्टेड पर क्लिक करना है, फिर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, फिर से गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे। पेमेंट ऑप्शन में यहाँ पर आपको पे बाय कार्ड और नेट बैंकिंग को सेलेक्ट करना है, फिर आप पे एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, फिर पे नाउ पर क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरह का पॉपअप आएगा, तो यहाँ पर आपको इसे कट कर देना है। आप चाहें तो इस पेमेंट को क्विक पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ पे QR कोड या UPI से भी इस पेमेंट को पे कर सकते हैं। डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड से पे करने के लिए डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने ATM कार्ड का नंबर देना है, उसका एक्सपायरी डेट देंगे, फिर यहाँ पे CVV कोड देंगे, ATM कार्ड होल्डर का नाम देंगे, फिर यहाँ पे मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। आपके बैंक की तरफ से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, OTP इंटर करेंगे, यहाँ पे आपका पेमेंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे QR कोड से पे करूँगा। QR कोड से पे करने के लिए यहाँ पे आपको QR कोड पर क्लिक करना है, फिर आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक QR कोड आ जाएगा, इस QR कोड को बस आपको स्कैन करना है और आपका ये पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं अपने दूसरे मोबाइल से इस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपने फ़ोन पे को ओपन कर रखा है, यहाँ पे मुझे इसके परमिशन को अलाउ करना है और इस QR कोड को मुझे बस स्कैन कर देना है। फिर मैं यहाँ पे सेंड पर क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पे आपको अपना UPI पिन देना है, फिर ओके पर क्लिक करना है। पेमेंट होने के लिए यहाँ पे आपको कुछ सेकेंड वेट करना है, आपका ये पेमेंट ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 936 रुपीज़ पे कर दिया है। यहाँ पर आपको कुछ सेकेंड वेट करना है, ये ऑटोमेटिक आपको पीछे रिडायरेक्ट कर देगा। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको इसके सारे सर्विसेज मिल जाएंगे। अब आप इसके सारे सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने ग्राहक को ये सारे सर्विसेज देकर एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो मनी ट्रांसफ़र, मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, UPI और भी यहाँ पे आपको कई तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप चाहें तो बस बुकिंग, एयर बुकिंग, रेलवे बुकिंग, DTH, माइक्रो ATM, SMS पेमेंट, आधार विड्रावल, आधार पे, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट और भी यहाँ पे आपको कई तरह के सर्विसेज मिल जाते हैं। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारे सर्विसेज यूज़ करने से पहले आपको अपना KYC पहले कंप्लीट करना होगा। 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पे अपने नाम पर क्लिक करना है, आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। KYC पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी आपका YBL eKYC, PNB KYC अभी पेंडिंग में है। तो आपको ये दोनों KYC करना ज़रूरी है, तभी आप इसके सारे सर्विसेज को फुल्ली यूज़ कर पाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ये दोनों KYC खुद से कैसे कर सकते हैं, पे नियर बाय में कितने ट्रांजेक्शन पर आपको कितना कमीशन मिलेगा। इसके स्ट्रक्चर को देखने के लिए आपको फिर से यहाँ पे 3 लाइन पर क्लिक करना है। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कमीशन स्ट्रक्चर का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। रिचार्ज के कमीशन स्ट्रक्चर को देखने के लिए रिचार्ज डिस्काउंट स्ट्रक्चर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कमीशन का पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा। किस कंपनी के कितना रिचार्ज पर आपको कितना कमीशन मिलेगा वो सारा कुछ आप यहां से देख सकते हैं। अदर कमीशन को देखने के लिए अदर कमीशन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने कमीशन का पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा। कितने ट्रांजेक्शन पर आपको कितने कमीशन मिलेंगे वो सारा कुछ यहाँ पर आपको डिटेल में मिल जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से इसे जूम आउट या जूम इन भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पे नियर बाय में खुद से eKYC कैसे कर सकते हैं और कैसे आप AEPS की मदद से सिर्फ आधार कार्ड से ही पैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह खास वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए टेक्सैप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।